सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे क्राइम शो में जहां हम देखेंगे देश में होने वाले भयंकर जुर्मों के बारे में। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्पेशल क्राइम शो 10 के दस्तक में। आइए देखते हैं क्या है आज की जुर्म की दास्ता। बेटे ने पिता की पीट पीट कर की हत्या, शक ना होने पर चुपचाप किया अंतिम संस्कार। लखनऊ में एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। एक जमीन को लेकर बाप बेटे में विवाद चल रहा था, उसी विवाद ने बेटे को अपने पिता की जान लेने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिता को रॉड से इतना मारा गया कि उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी बेटे ने चुपचाप अपने पिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के दुबंगा थाना क्षेत्र के दौलत खेड़ा में राम खेड़ावन नाम के शख्स रहते थे। उनके कुल 5 बच्चे थे। अब पूछताछ में बेटे ने बताया कि 4 साल पहले उनके पिता ने एक जमीन बेची थी, लेकिन उस जमीन का पैसा घर में ना देकर किसी बाहर की महिला को दे दिया। इसी वजह से घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। बाद में लगातार होती लड़ाइयों की वजह से न तो उसने घर छोड़ दिया और अपने परिवार से अलग रहने लगा, लेकिन वो दूरी भी बच्चों के मन में पिता के लिए नफरत को कम नहीं कर पाई। इसी वजह से आरोपी बेटे कौशल ने एक दिन अपने पिता से झगड़ा कर लिया। वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटे ने लोहे की रॉड से पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। जब पिता ने दम तोड़ दिया, तब कौशल उनके शव को गोमती नदी के किनारे लेकर गया और वहां पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिनों तक आरोपी बेटा गांव के स्थानीय लोगों को बताता रहा कि पिता बीमारी से चल रहे थे और उसी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन जब गांव वाले को संदेह हुआ तो उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। उसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने कौशल को गिरफ्तार किया और कई घंटों की पूछताछ ने उसे तोड़ दिया। आरोपी बेटे ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लखनऊ में एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। एक बीघा जमीन को लेकर बाप बेटे में विवाद चल रहा था, उसी विवाद ने बेटे को अपने पिता की जान लेने को मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिता की रॉड से इतना मारा गया कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी बेटे ने चुपचाप अपने पिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के दौलत खेड़ा में राम खेलवान नाम के शख्स रहते थे। उनके कुल 5 बच्चे थे। अब पूछताछ में बेटे ने बताया कि 4 साल पहले उनके पिता ने एक बीघा जमीन बेची थी, लेकिन उस जमीन का पैसा घर में ना देकर किसी बाहर की महिला को दे दिया। इसी वजह से घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। बाद में लगातार होती लड़ाइयों की वजह से न घर छोड़ चला गया और अपने परिवार से अलग रहने लगा, लेकिन वो दूरी भी बच्चे के मन में पिता के लिए नफरत को कम नहीं कर पाई। इसी वजह से आरोपी बेटे कौशल ने एक दिन अपने पिता से झगड़ा कर लिया। वह झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटे ने लोहे की रॉड से पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। जब पिता ने दम तोड़ दिया, तब कौशल उनके शव को गोमती नदी के किनारे ले गया और वहां पर अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिनों तक आरोपी बेटा गांव के स्थानीय लोगों को बताता रहा कि पिता बीमार चल रहे थे और उसी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन जब गांव वालों को संदेह हुआ तो उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। उसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने कौशल को गिरफ्तार किया और कई घंटों की पूछताछ ने उसे तोड़ दिया। आरोपी बेटे ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो देखा दोस्तों, आपने किस तरह यह घोर करयुग आ गया है जहां एक बेटे ने जन्म देने वाले पिता को ही मौत के घाट उतार दिया और वारदात को छिपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक न एक दिन जुर्म सामने उभर कर आता ही है और अपने जुर्म की सजा भुगतनी पड़ती है। तो यह थी आज के जुर्म की कहानी। ऐसे ही सनसनीखेज घटनाओं को देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है।